नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं RAS प्री एग्ज़ाम 2023 को लेकर प्रेस नोट अभी अभी जारी हुआ है, आपके एडमिट कार्ड को लेकर न्यूज आई है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चले दोस्तों, ये प्रेस जो नोट आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे प्रेस नोट आया मैंने तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड होती है, बाद में यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होती है। तो ये प्रेस नोट आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर प्रेस नोट जारी हुआ है, आज की डेट यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। आयोग के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा जो प्री एग्ज़ाम है RAS की, इसका आयोजन 1/10/2023 को रविवार को किया जाएगा। कब किया जाएगा? प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इसका जो आयोजन है वो 1 अक्टूबर को किया जा रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट या फिर SSO पोर्टल पर 28 तारीख को, जो आने वाली 28 तारीख है, 28 सितंबर को अपलोड हो जाएंगे और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी जो मेन वेबसाइट है RPSC की, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रेस नोट एडमिट कार्ड को लेकर जारी हुआ है, ये पूरी चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि कौन कौन सी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर उपस्थित होंगे, यहाँ पर पूरी चीज़ बताई गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये प्रिंट जो है प्रेस नोट है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए ताकि जो अपडेट है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।